पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एक तरफा प्यार में एक सिरफिरे आशिक ने बीटेक की छात्रा पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उसे लहूलुहान कर दिया। इस दुस्साहसिक वारदात से मौके पर अफरा तफरी मच गई। दो पुलिसकर्मियों ने लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया। घायल छात्रा का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के कांट रोड स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर हुई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी ने एक तरफा प्यार में हमला किया है। मुरादाबाद रेल मंडल के चंदोसी रेलवे स्टेशन पर तैनात एक कर्मचारी का परिवार मझोला थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहता है। रेलवे कर्मी की 20 वर्षीय बेटी दिल्ली से बीटेक कर रही है, जबकि बेटा नोएडा में बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। होली की छुट्टी पर दोनों भाई बहन घर आए हुए थे। रेल कर्मी की बेटी सोमवार शाम अपनी एक सहेली से मिलने कांट रोड पर गई थी। एक रेस्टोरेंट के सामने पड़ोस में रहने वाले युवक देवराज सैनी ने छात्रा को रोक लिया और बातचीत करने के बहाने रेस्टोरेंट के अंदर ले गया। बताया जा रहा है कि दोनों ने वहां बैठकर पिज्जा खाया। पड़ोसी युवक ने छात्रा से दोस्ती रखने के लिए दबाव बनाया, लेकिन छात्रा ने उससे दोस्ती रखने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद छात्रा रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर पैदल ही घर लौटने लगी। इसी दौरान आरोपी युवक पीछे से आ गया और उसने छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया। छात्रा के कंधे, हाथ और पेट में हमला किया। वो लहूलुहान हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। चीख पुकार सुनकर लोग मौके पर जुट गए। मैं वो लड़का पीछा कर रहा था काफ़ी देर और बात करने की कोशिश कर रहा था, वो मना कर रही थी और जब उन्होंने नहीं सुनी तो उन्होंने जबरदस्ती स्कूटी रोक कर मारता को अंजाम दिया था। चप्पू से उन्होंने मारने की कोशिश करी बहुत सर, मर्डर मतलब करने की कोशिश करी है। मैं ये कहता हूँ कि भाई सरकार क्या कर रही है, ये कहती है महिला महिला सुरक्षित, क्या सुरक्षित है महिला, कुछ सुरक्षित है? लड़का पड़ोस का है, पुलिस बता रही है देवराज है कोई सर। मैं ये कहता हूँ सरकार से मुझे ये एक वो चाहिए कि सर क्या ये महिला सुरक्षित है, क्या पुलिस कर रही है, ये जो महिला को चलती को एक वारदात इतनी बड़ी दे दी है पुलिस लड़के ने, लड़की इंजीनियरिंग कर रही है सर नॉर्थ द्वारका में दिल्ली सर। ये घटना सब 3:30 सर, मैं चाहता हूँ सरकार इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाए। झांझनपुर मोड़ पे हुआ है सर, नहीं लड़की सहेली की घटना है, मिलने आई हुई थी सर और पीछा कर रहा था, उसे भी नहीं पता पीछा करता वही आया है जी। लड़की सर 20 इयर्स की है, भतीजी मेरी। अच्छा, इससे पहले भी कोई ऐसी बात? लड़की के ऊपर 5-6 बार करी है और एक गर्दन पर करा है सर। मेरे को ऐसे मर्डर की इच्छा से करा है, मेरे को समझ लो मारने आया था सर। ऐसी कोई घटना नहीं, आज तक बेटी तो अभी होली करने आई है, अभी तो नहीं पता है सर। वो तो अपनी बेटी घर से निकली क्या 3 बजे, लड़का सर पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं ये कहता हूँ सर इसके ऊपर ऐसे केस लगाए जाए। मैं तो ये कहता हूँ योगी सरकार से कि महिला क्या सुरक्षित है, क्या है ये? अब कैसी कंडीशन सर? अभी ऑपरेशन चल रहा है सर, ऑपरेशन चल रहा है अभी। खैर डॉक्टर कह रहे हैं खतरे से थोड़ी बाहर है सर। ये तो किसी राहगीर ने सर भर्ती करा, दो लड़कियाँ भी थी, उन्होंने देखा ऐसे हुआ तो तुरंत वो लेके आए थे हॉस्पिटल। हमें तो बाद में खबर मिली है, तुरंत हम भाग के आए। बड़े भाई साहब हमारे रेलवे में जिनकी बेटी है वो तुरंत वहाँ से चले, वो भी आए हैं। अभी दोपहर में एक मामला सामने आया कि एक युवक ने एक युवती को जगह जगह चाकू मारे हैं 4 जगह। मामला ये था कि उन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस बीच वो अभी एक नाश्ता करने एक कैफे पे भी आए थे। उनके बीच में कहासुनी हो गई, जिसके वजह से कहासुनी में युवक ने युवती पे चाकू से हमला किया है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और युवती के माता पिता को भी बुला लिया गया। युवती अभी सिद्ध हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है और आगे जो भी तहरीर मिलती है उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।